क्या अंकिता सुशांत को खुदकुशी करने से रोक सकती थी? क्या सुशांत को अंकिता से ब्रेकअप का था पछतावा? सुशांत और अंकिता के करीबी दोस्त संदीप सिंह ने बताया आखिर कैसा था सुशांत और अंकिता का रिश्ता। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जहां एंटरटेनमेंट की दुनिया में मातम का माहौल छाया हुआ है, वहीं सुशांत का परिवार भी बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सुशांत के खास दोस्त और प्रोड्यूसर संदीप सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अंकिता के लिए काफी इमोशनल पोस्ट लिखा है और सुशांत के साथ अपनी अच्छी यादों को याद किया। डियर अंकिता, जैसे जैसे समय बीत रहा है मुझे एक ख्याल डराए जा रहा है। काश हमने थोड़ी और कोशिश की होती, हम उसे रोक सकते थे, हम उससे विनती कर सकते थे। जब तुम दोनों अलग हुए तब भी तुमने हमेशा उसकी खुशी और कामयाबी की दुआ मांगी। तुम्हारा प्यार पवित्र था और बहुत खास था। तुमने अभी भी अपने घर की नेम प्लेट से सुशांत का नाम नहीं हटाया है। मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब हम तीनों लोखंडवाला में साथ एक परिवार की तरह रहते थे। हमने ऐसे कई पल साथ बिताए जो मुझे भावुक कर देते हैं। साथ में खाना बनाना, साथ खाना, एसी का पानी गिरना, हमारा स्पेशल मटन भात, हमारी लॉन्ग ड्राइव लोनावला से गोवा, हमारी वो होली, वो पल जब हम साथ हंसते थे, जिंदगी का वो मुश्किल समय जब हम एक दूसरे के साथ थे, सबसे ज्यादा तुम, वो चीज जो तुम सुशांत के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए करती थी। आज भी मैं यही मानता हूँ कि केवल तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने थे। तुम दोनों सच्चा प्यार हो। ये ख्याल और याद मुझे परेशान कर रही है। मैं कैसे इन्हें वापस लाऊं? मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ। मैं हम तीनों को साथ चाहता हूँ। वो मालपुआ याद है और कैसे एक बच्चे की तरह उसने मेरी मम्मी से मटन करी मांगी थी। मैं जानता हूँ उसे सिर्फ तुम बचा सकती थी। काश कि जैसे हमने सपना देखा था तुम दोनों ने शादी कर ली होती। तुम उसे बचा सकती थी अगर उसने तुम्हें अपने साथ रहने दिया होता। तुम उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर थी। आई लव यू अंकिता। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कभी तुम जैसी दोस्त को ना खो। मैं कभी ये सहन नहीं कर पाऊंगा। सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर जब आम इंसान के लिए इतनी दर्द भरी है तो सुशांत के घर वालों पर और उनके दोस्तों पर क्या गुजर रही होगी, इस बात का अंदाजा हम संदीप सिंह के पोस्ट से लगा सकते हैं। हम सुशांत की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को इस दर्द से लड़ने की ताकत मिले।